दोस्तों, इस बात में कोई भी दोराय नहीं है कि कैल्शियम मिनरल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, इनफैक्ट हमारे हृदय के लिए और साथ ही हमारे मसल्स और नर्व्स के लिए। अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो सबसे पहला इफेक्ट जो होता है इन्हीं 5 ऑर्गन्स पे पड़ता है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 99% कैल्शियम जो डिपॉजिट होता है वो हमारे दांतों और हड्डियों में होता है। और अगर हमारे शरीर में लंबे टाइम तक कैल्शियम की कमी रहती है तो वो हमारे हड्डियों और दांतों से कैल्शियम को खींचने है। इस वजह से हमारे शरीर में कई जगह पेन्स वगैरह और बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में होने लग जाती है तो ऐसे में हमारी जो हड्डियां होती हैं वो पतली होने लग जाती है और ऐसे में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और इतना ही नहीं, विशेषज्ञ तो ये भी बताते हैं कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपको सोराइसिस और एक्जिमा जैसी जो बीमारियां होती है उनका खतरा बढ़ने लग जाता है। तो कैल्शियम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात की जाए प्रेग्नेंट महिलाओं की तो सोचिए कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कैल्शियम कितना ज्यादा जरूरी होता होगा। आपके डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि आपके गर्भस्थ शिशु का जो विकास हो रहा होता है उसमें हड्डियों के विकास के लिए और शिशु के जो आगे बनने वाले दांत होते हैं उनके लिए कैल्शियम की प्रॉपर आपूर्ति होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो डॉक्टर द्वारा दिए गए जो सप्लीमेंट्स होते हैं, कैल्शियम की टैबलेट होती है, वो तो आपको लेनी ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैल्शियम रिच कुछ वेजिटेरियन फूड्स होते हैं दोस्तों, जो कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं, ताकि आपके शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की कमी ना हो, गर्भस्थ शिशु में कैल्शियम की कमी ना हो। तो जानने के लिए हमारा वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा, स्वागत है आपका प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन की इस नई वीडियो में। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स जैसा कि आपको पता ही है कि दूध होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादातर महिलाओं की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें दूध पीने का मन नहीं कर रहा है। हार्मोनल चेंजेस इतने गर्भवती महिलाओं के शरीर में हो रहे होते हैं कि कई बार प्रेगनेंट महिलाओं को दूध नहीं भी पचता है। तो कैल्शियम रिच फूड्स की बात की जाए तो सबसे पहली चीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है सफेद तिल। जी हाँ दोस्तों, सफेद तिल में काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। 100 ग्राम सफेद तिल जो होते हैं इसमें लगभग 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, यानी कि दूध से लगभग 8 गुना ज्यादा कैल्शियम सफेद तिल में पाया जाता है। और इतना ही नहीं, इसमें मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्बेंसी को बढ़ाता है। लेकिन जैसे कि तिल की जो तासीर होती है वो अपने आप में गर्म होती है और प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को गर्म तासीर की चीजें खाने की मनाही होती है। तो सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में आप तिल के लड्डू खा सकते हैं, तिल की चिक्की खा सकते हैं और भी तिल के काफी सारे स्नैक्स सर्दियों में आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये गर्मियों में लेने हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो सफेद तिल को आपको हल्का सा भून लेना है, इसके बाद इसे आपको ग्राइंड कर लेना है और जब भी रोटियां बना रहे हो तो 1 टेबलस्पून सफेद तिल जो है आपको अपने आटे में गूंद लेना चाहिए। और सफेद तिल युक्त रोटियों का सेवन इस दौरान करेंगे तो ये आपको कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में देगा। आप चाहे तो इसे दूध के साथ ले सकती हैं, दलिया के साथ भी ले सकती हैं, सब्जी बना रहे हो तो सब्जी में भी आप थोड़ा सा तिल का पाउडर यूज कर सकती हैं। इसके अलावा वनस्पति तेल में कोल्ड प्रेस ऑयल जो सफेद तिल का होता है उसे आप यूज कर सकती हैं। दूसरे कैल्शियम रिच फूड की बात की जाए तो आप इस दौरान कुलथ की दाल का सेवन कर सकते हैं। 100 ग्राम कुलथ की दाल में दोस्तों लगभग 300 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। और जनरली दोस्तों लोग डरते हैं कि कैल्शियम अगर ज्यादा लेंगे तो पथरी बन जाएगी। आपको बता दूं कि अगर ये कुलथ की दाल आप लेते हैं तो ये आपकी पथरी को काटने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। और इतना ही नहीं, ये एंटी डायबिटिक भी है। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा बन जाता है, तो ऐसे में कुलथ की दाल जो है आपको डायबिटीज के खतरे से भी दूर रखती है। और इसी कंटिन्यूशन में और दालों की बात की जाए तो अगर आप राजमा की दाल लेते हैं 100 ग्राम दाल में आपको 275 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। अगर आप चने की दाल लेते हैं तो 100 ग्राम चने की दाल से आपको लगभग 220 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलता है। बेटर होगा कि वीकली आप लंच में कभी राजमा की दाल, कभी चने की दाल, कभी कुलथ की दाल का सेवन करेंगे तो आपको भरपूर कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप राजगीरा का सेवन कर सकते हैं। राजगीरा जिसे कि अमरंथ या फिर रामदाना भी कहा जाता है, हालांकि ये अनाज नहीं होता है, तो सब्जियों में जो चौलाई होती है, लाल साग होता है, वो इसी राजगीरा के पत्ते होते हैं। 100 ग्राम राजगीरा से आपको लगभग 340 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिल सकता है। तो आप राजगीरा को अनाज की तरह सेवन में ले सकते हैं। आप चाहे तो आटे के फॉर्म में इसकी रोटियां बनाकर खा सकते हैं, चाहे आप इसका दूध या फिर सब्जी डाल के इसका दलिया बना सकते हैं। राजगीरा में दोस्तों कैल्शियम ही नहीं, साथ ही विटामिन बी, विटामिन सी और मैग्नीशियम काफी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप इस दौरान रागी का सेवन कर सकते हैं। रागी दोस्तों जिसे कि मंडुआ भी कहा जाता है,
ज्यादातर लोग इसे मंडुवे के आटे के रूप में रोटियां बना के सेवन में लेते हैं। कैल्शियम की बात की जाए तो 100 ग्राम रागी में लगभग 300 मिलीग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है और ये पोटेशियम का भी काफी अच्छा सोर्स होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके बीपी को कंट्रोल रखने में भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आयरन का भी एक अच्छा सोर्स होता है जो कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को नहीं होने देता है। डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें रागी के आटे की रोटियां खाने की सलाह दी जाती है। तो रागी की रोटियों के अलावा आप इसका डोसा बना सकते हैं, इडली बना के आप इसका सेवन कर सकते हैं, साथ ही आप इसको दलिये के फॉर्म में भी यूज में ले सकते हैं। तो ये सारे रिच सोर्स होते हैं दोस्तों कैल्शियम के, जिससे कि आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति अच्छे से होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन अगर आपको दूध पीने का मन नहीं है तो इसकी जगह आप दही का सेवन कर सकते हैं। बता दो दोस्तों कि 100 ग्राम दूध से 125 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिलता है, वहीं अगर आप दही का सेवन करती हैं तो इससे लगभग 85 से लेकर 90 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम की पूर्ति होती है। तो आप दूध की जगह दही का सेवन कर सकती हैं और वो भी खासतौर पर शुद्ध हो और देसी गाय का, तो इससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं को दूध नहीं भी पचता है, वो दूध पीना पसंद ही नहीं करती हैं, तो उस टाइम पे आप कैल्शियम के इन सोर्सेस को सेवन में ले सकती हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। टिल देन Stay happy, stay healthy.